नमस्कार दोस्तों, आज मैं काफ़ी टाइम बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और अब मैं आपसे एक चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। वो ये है कि दिवाली पर आप लोगों ने देखा क्या रहा। लगातार 3 साल, पिछले 3 सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट पटाखों को बैन कर रही है और उसके बावजूद पटाखे धड़ल्ले से बिक भी रहे हैं और चल भी रहे हैं। और इसका उदाहरण आपने अभी दिवाली पे देखा। हमारे एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में मशीनें जो आती हैं चेक करने के लिए पोल्यूशन को, वो 3 डिजिट की होती हैं और 3 डिजिट का सबसे बड़ा अंक जो होता है 999 यानी 999 999 होता है, और जो कि इस बार दिल्ली में हुआ। दिल्ली कहने को तो दिल्ली सरकार भी इस पे हक जगत आती है और दिल्ली केंद्र सरकार भी, लेकिन दोनों ही सरकारें फेल हैं इस मामले में। और हैट्रिक हुई है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालना नहीं हुआ, किसी ने भी उसको पालन किया। आम नागरिक जो होते हैं उन्होंने भी, और यहाँ तक कि जिनको इम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं पालन करना, उन्होंने भी पालन नहीं किया। मैं तो फिर यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को अब अगले साल ऑर्डर देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो संस्था है हमारे देश की जो सबसे ऊपर है। हम लोग संविधान कानून सब कुछ उन्हीं के थ्रू ही चलता है, मानते हैं और मानना भी चाहिए था, लेकिन नहीं माना गया। और सबसे ज़्यादा जिम्मेवार इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसियां थी, और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए अब ऐसे ऑर्डर निकाले नहीं, क्योंकि 3 साल लगातार तो हो गई बेइज्जती कराते हुए, अभी नहीं करानी चाहिए। मरने दें जिनको मरना है, और अगर निकालती है तो उसको खुद चाहिए कि अब सुप्रीम कोर्ट खुद गली मोहल्लों में खड़ी हो जाए और चेक करे कौन पटाखे चला रहा है। एंड मैं दिवाली की बात कर रहा हूँ, बाकी और चीज़ों में भी है ये सब में कमियाँ, वो मैं अगले अंक में बताऊँगा, अगले एपिसोड में बताऊँगा कि कहाँ कहाँ क्या कमियाँ हुई। तो ये जो हैट्रिक हुई एनवायरनमेंट को लेके, पर्यावरण में प्रदूषण को लेके, सुप्रीम कोर्ट की जो बेइज्जती हुई, आपके विचार से मैं आपको पूछता हूँ, हर मिनट पर 3 से 4 लोग मरते हैं जो कि किसी भी क्राइम से बढ़कर हैं, तो वो चीज़ होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, या आप तय करें कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए था ना। और मुझे जो बताएं कि अगर कमी हुई तो कहाँ हुई कमी, कैसी हुई, मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, अब अपने वीडियो अगले वीडियो में कि कहाँ कमी हुई। धन्यवाद।